नमस्कार, मैं हूं अंजी डोगरा, हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। सादाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सादाबाद जलेसर रोड पर मदन ईट भट्टा के समीप पुलिस और पल्सर सवार बदमाशों में हुई मुठभेड़ में एक बदमाश बबलू निवासी मड़ा पीतू गोली लगने से हुआ घायल। दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर हुए फरार। पुलिस लाइन घायल बदमाश सादाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार के बाद बदमाश से कर रही है पूछताछ और खंगाल रही बदमाश की हिस्ट्री सीट। एसपी गौरव वंशवाल हाथरस पहुंचे मौके पर। रात में 1 बजे और 1:30 बजे के बीच में एक सादाबाद पुलिस एसओजी और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। इसमें पूरा घटनाक्रम यह था कि रात में डिप्टी सिंह यहाँ पे दरोगा हैं, ये अपनी टीम के साथ प्राइवेट गाड़ी में ऑल्टो में सादाबाद रोड पे गश्त पे निकले थे। इसी बीच कुछ अज्ञात बाइक सवार इनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करते रहे काफ़ी देर तक। जब इन्होंने ओवरटेक नहीं होने दिया तो ये जो बाइक सवार थे, ये 3 थे अपाचे पे बाइक सवार, इन्होंने गाड़ी को आगे जाके रोका, ऑल्टो गाड़ी को। इनको नहीं मालूम था कि अंदर पुलिस पार्टी प्राइवेट उसमें गश्त कर रही है। उसी में इन्होंने गाड़ी का शीशा फोड़ दिया। जब शीशा फोड़ा तो उन्होंने देखा कि अंदर पुलिस वाले बैठे हैं। उन्होंने यह देख के हाथापाई शुरू की और वर्दी देख करके इनके ऊपर फायर किया तमंचे से। जब तमंचे से फायर हुआ तो सेल्फ डिफेंस में इन्होंने भी, डिप्टी सिंह ने भी और बाकी फोर्स को बुला करके जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है। जो बदमाश है उसका नाम बबलू है, ये मथुरा से पहले लूट में जेल जा चुका है 394 में, और गंभीर अपराध है। इसी में ये जेल गया था और इसके दो दोस्त थे जो मौके से फरार हो गए, डिप्टी सिंह और जो दरोगा थे, और सादाबाद पुलिस और एसओजी ने बहादुरी का परिचय देते हुए मौके से इसको गिरफ्तार कर लिया। सर, बबलू कहाँ का रहने वाला है? बबलू जो है यहीं सादाबाद हाथरस का ही रहने वाला है, और बाकी इसकी अभी क्रिमिनल हिस्ट्री छांटी जा रही है। यहाँ पे बाकी सब बाल अधिकारी जो है मौके पर आ गए हैं। बबलू का भी उपचार कराया जा रहा है, इससे बाकी गहराई से पूछताछ की जाएगी।